नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC और RVNL के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं इन स्टॉक्स के ऊपर। कि ये खबर निकल के आ रही है कि सरकार अपना यहाँ पे हिस्सा बेच सकती है। सरकार ने देखिए मन बना लिया है कि अपना हिस्सा वो बेचने जाएगी इन दोनों कंपनीज़ के अंदर। तो देखिए पूरी खबरें क्या हैं, क्या करना है आपको आगे, तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, यहाँ पे कल खबर निकल के आई थी कि IRFC और RVNL दोनों के अंदर सरकार अपना हिस्सा कम कर सकती है, अपना हिस्सा बेचेगी थ्रू OFS। तो देखिए ये खबर निकल के आई थी जिसमें आप देखेंगे लगातार वो प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही है। और इसी बीच देखिए इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर भी निकल के आई है ये बात, क्योंकि देखिए दोनों गवर्नमेंट कंपनीज़। और आप देखिए IRFC तो हाल ही में लिस्ट हुआ था, और RVNL में आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर भी खबर निकल के आई है। तो सबसे पहले आपको मैं वो खबर दिखाता हूँ जो देखिए यहाँ पे निकल के आ रही है इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर। तो देखिए बिग न्यूज़ ऑन प्राइवेटाइजेशन, 10 और सरकारी कंपनी का होगा निजीकरण, हुडको MMTC समेत इन कंपनियों पर चर्चा। तो देखिए इन कंपनीज़ के ऊपर भी चर्चा चल रही है, लेकिन जिसके बारे में हमको जानना है देखिए वो है यहाँ पे IRFC और RVNL। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसके लिए IRFC, RVNL और मझगांव डॉक का नाम सामने आ रहा है। इन तीन सरकारी कंपनियों में सरकार अपना हिस्सा घटाकर मिनिमम कर देगी। देखिए खबर निकल के क्या आ रही है कि यहाँ पे जो वित्त वर्ष होगा 2021-22 में इन कंपनीज़ के ऊपर देखिए बात नहीं होगी। 2023 और 2024 ये बीच तीन और PSU, देखिए तीन कौन कौन से, IRFC हो गया, RVNL हो गया और मझगांव डॉक। देखिए इन तीनों की आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द दो की तो हाल ही में लिस्टिंग हुई है, और आपको देखने को मिला कि ये स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे थे। IRFC ने इतना कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मझगांव डॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा था। और इसी बीच देखिए एक और खबर निकल के आ चुकी है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार इन तीन कंपनियों में अपना हिस्सा घटाकर मिनिमम कर देगी। अब मिनिमम कितना होता है सर? मिनिमम होता है दोस्तों 25%। अगर प्रमोटर्स अपना हिस्सा 25%, प्रमोटर्स का हिस्सा ज़रूरी होता है। देखिए सेबी का नियम है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अपने पास 25%, यानी प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक होते हैं उनके पास 25% की हिस्सेदारी होना ज़रूरी है। इस समय 19 PSU ऐसी है जहां सरकार के लिए स्कोप बना हुआ है। बता दें कि सरकार ने निजीकरण और विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 4 फरवरी 2021 को एक नई PSE पॉलिसी को लागू किया था। इसके तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में बांटा गया। तो देखिए डेफिनेटली ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है, देखिए विनिवेश और निजीकरण के ऊपर। यह देखिए कंपनी, इन सब कंपनीज़ के ऊपर देखिए सरकार अपना मिनिमम वेटेज करना चाह रही है, ताकि सबसे कम उनका देखिए यहाँ पे भार हो और सबसे मिनिमम शेयर होल्डिंग्स देखिए सरकार अपनी कर सके, ताकि देखिए जो पैसा आएगा इससे इन्हीं कंपनीज़ के ऊपर देखिए वो पैसा खर्च किया जाएगा और देखिए इनके डेवलपमेंट में काम होगा। तो सरकार की कह सकते कि एक तरफ से थिंकिंग बढ़िया है, और यहाँ से दोनों स्टॉक्स के ऊपर भी देखिए डेफिनेटली बढ़िया न्यूज़ है। लेकिन देखिए सरकार अगर यहाँ पे बेचेगी तो किससे बेचेगी? वो दोस्तों डेफिनेटली OFS के जरिए ही बेचेगी, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और OFS का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस से कम। लेकिन अभी आपको डरने की बात नहीं है, 2023-24 वित्त वर्ष है, तो डेफिनेटली अभी काफ़ी टाइम है वहाँ पे, और यहाँ पे अभी तो आप डेफिनेटली शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि साफ साफ देखिए लिख रहेगा यहाँ पे कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर यहाँ पे कुछ भी आपको इनका विनिवेश या फिर निजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। 2023-2024 के बीच में तीन सरकार PSU कंपनीज़ के ऊपर देखिए सरकार ध्यान देगी, जो IRFC, RVNL और मझगांव डॉक है। तो डेफिनेटली ये खबर बढ़िया है, बट कह सकते हैं कि ऑफर फॉर सेल होगा तो गिरावट आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली फॉर स्टॉक में, क्योंकि आपको OFS स्टॉक प्राइस से कम पे ही लागू करना पड़ता है, कम पे लाना पड़ता है, वही होगा। लेकिन अभी कुछ डरने की बात नहीं है। अब स्टॉक में आपको आगे क्या करना है, चलिए आपको ये बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम RVNL की बात करने वाले हैं। अब RVNL की देखिए माने तो स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, 30 पैसे की क्लोजिंग है, 85 पैसे देखिए स्टॉक बढ़ा है, 2.85% आपको स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। और इस स्टॉक में आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार एक आपको ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल रही थी। आप देखेंगे स्टॉक कोशिश पूरी कर रहा था देखिए यहाँ पे बढ़ने की, और आपको देखने को मिला पिछले एक साल के अंदर इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को करीबन यहाँ पे 75% तक के बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए। तो ये कह सकता है कि देखिए ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया चला। एक देखिए टाइम आया था जहाँ पे लगातार इस स्टॉक के अंदर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा था, फिर वो 35-36 रुपये के लेवल तक गया, और देखेंगे जो 52 वीक हाई है स्टॉक का वो है करीबन यहाँ पे 35.55। तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया देखिए स्टॉक ने चलना चालू किया था। लेकिन
लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले एक महीने के अंदर तो एक गिरावट के बाद देखिए स्टॉक ने फिर एक तेज़ी की उड़ान भरी और आप देखिए स्टॉक यहाँ पे करीबन 10% तक क्या आसपास आपको देखिए इस हफ्ते बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए जो सेक्टर्स है ये रेल निगम डेफिनेटली वो रेलवे सेक्टर से अभी देखिए उस सेक्टर के लिए आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी बढ़िया खबरें निकल के नहीं आ रही है। लगातार देखिए वो लॉकडाउन लग रहा है तो आपको इनके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए वापस से केसेस कम हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस आपको हटते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर से देखिए रेलवे जैसे जैसे चालू होगी डेफिनेटली देखिए अभी का टाइम आपके लिए सुटेबल नहीं है, बट यहाँ से ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ से रेलवे आगे बंद हो जाएगा कि आपको यहाँ पे सब कुछ बंद होता हुआ नज़र आएगा, रेलवे बिल्कुल बंद हो जाएगा, डेफिनेटली नॉट। वापस से देखिए थिंग्स नॉर्मल होगी, वापस से ये स्टॉक्स चलेंगे और डेफिनेटली बढ़िया तेज़ी भी करेंगे। अभी आपको समझना है कि यहाँ पे जो सेक्टर्स के अंदर स्कोप होगा वहाँ पे पैसा लगा के चलना है और इस सेक्टर के अंदर काफ़ी स्कोप है ये आपको मैं कह सकता हूँ। रेलवे के अंदर अभी भी देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, एविएशन में देख लीजिए कुछ भी नहीं हुआ है, आपको इन सेक्टर्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और अभी नहीं बट इसके एक महीने बाद दो महीने बाद देखिए अभी पता नहीं कि कोविड की थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए भी देखिए सरकार की पूरी तैयारी है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इस साल तो इन सेक्टर्स के अंदर इतना ज़्यादा फोकस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल उसके अगले साल या फिर उसके आप देखेंगे एक डेढ़ साल बाद जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज होगी इन स्टॉक्स के अंदर बेहतरीन तेजी होगी। तो RVNL मुझे लगता है कि यहाँ पे लेने लायक जगह बनती है या फिर यहाँ से अगर 1-2 रुपये और नीचे मिलता है करीबन 27 रुपये के आसपास मिलता है तो कर सकता हूँ खरीदारी करके चलना होगा, और यहाँ से अगर आप अगले एक साल तक भी होल्ड करते तो मुझे लगता है कि 50 रुपये के लक्ष्य आपको RVNL के अंदर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अगर मंडे की बात करूँ देखिए मंडे को अगर मैं देखो फ्राइडे का चार्ट तो मुझे नज़र आता है कि देखिए स्टॉक के अंदर यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो उस खबर से देखिए आता हुआ देखने को मिलता है, स्पाइक देखने को मिला था और स्टॉक फिर डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा नीचे गया, लेकिन अभी भी स्टॉक के अंदर जो क्लोजिंग है वो बहुत बढ़िया है, 30 रुपये 50 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग है। जब तक देखिए स्टॉक यहाँ पे 31.50 को निकालेगा तो फिर एक ब्रेकआउट आपको आता हुआ नजर आ सकता है और 31.5 की एक क्लोजिंग चाहिए, वो क्लोजिंग आ गई तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी और मंडे को मेरे टारगेट्स होने वाले हैं यहाँ पे करीबन 32 रुपीज़ तक के, ऐसे मेंटेन करके चलना है दोस्तों यहाँ पे आपको करीबन 30 रुपये का। तो ये बात होगी दोस्तों RVNL की। अब बात करते हैं आखिरी स्टॉक IRFC के ऊपर। तो देखिए IRFC में भी आप देखेंगे तो आपको पिछला महीना बेहतरीन होता हुआ देखने को मिला, आपको एक गिरावट के बाद देखिए स्टॉक ने वापस से एक पुल बैक दिखाया, स्टॉक करीबन यहाँ पे 14% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करता हूँ तो आपको देखने को मिला फिर स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में चली गया करीबन 2% के आसपास 1.5% के आसपास देखिए आपको तेज़ी दिखाई, लेकिन स्टॉक में ऑलमोस्ट क्या हो रहा है देखिए रेजिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी, एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 24 रुपये का। अब 24 रुपये के रेजिस्टेंस को देखिए अगर ये निकालेगा तब जाके कोई बात बनेगी, और आप देखिए खबर के बाद भी स्टॉक के अंदर आपको इतना कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिला जो 23.95 तक लेके गया, वापस से देखिए रेजिस्टेंस फेस हुआ एंड देन देखिए स्टॉक वापस से यहाँ पे आपको नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली देखिए इसमें काफ़ी स्कोप है और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली देखिए बड़े रिटर्न कमा के देगा। देखिए आपको समझना होगा कि इनके साथ अभी दिक्कतें चल रही है और जब तक वो दिक्कतें चलेगी डेफिनेटली इन स्टॉक्स में आपको इतना ज़्यादा पुल बैक इतना तेजी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए वो जैसे नॉर्मलाइज होगी थिंग्स वैसे वैसे इन स्टॉक्स के अंदर रैली बनती हुई नजर आएगी और आप देखेंगे IRFC हो गया यहाँ पे RVNL हो गया एंड फिर आप देख लीजिए IRCTC एविएशन स्टॉक्स के स्टॉक SpiceJet तो इरकॉन तो डेफिनेटली सारे स्टॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पे आपको तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। तो जस्ट पेशेंस के साथ होल्ड करना है, देखिए जो वैल्यू अभी आपको मिल रही है वो मैं कह सकता हूँ अगले एक साल बाद नहीं मिलेगी, इन स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली बढ़िया तेज़ी बनने वाली है जैसे जैसे अनलॉकिंग की प्रक्रिया तेज़ी होगी, जैसे जैसे सारे सब कुछ खुलेगा वैसे वैसे देखिए इन स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेज़ी बनेगी। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 24 रुपये का रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली चांसेस बनते हैं कि 26 रुपये से लेकर 28 रुपये तक की रेंज के अंदर स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो 26 से 28 रुपए के लक्ष्य आपको ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो करना कुछ नहीं है, करंट लेवल्स के आसपास बाय करके चलना है आपको IRFC के अंदर। अगले एक साल के लिए मेरे 50 रुपए के लक्ष्य यहां पे भी होंगे, और आपको जो कल के लिए बात करूं तो कल के लिए देखें यानी मंडे के लिए जो आपको रेजिस्टेंस बता दिया 24 रुपये का, अगर टूटेगा तो स्टॉक आपको 25 रुपये तक डेफिनेटली हिट करता हुआ नजर आएगा। ऐसे मेंटेन करके चलना है यहां पे दोस्तों आपको करीबन 23 रुपीज़ का, 23 टूटेगा तो फिर 21 का स्टॉप लॉस आता है, 21 का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि कभी नहीं टूटेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये दोस्तों आप स्ट्रेटेजी लगा के चल सकते हैं, मेरा बिल्कुल ये मानना है कि होल्ड करके चलना है स्टॉक को, बढ़िया स्टॉक है और ये बढ़िया तेज़ी आपको करता हुआ डेफिनेटली नजर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।